नमस्कार साथियों, वीडियो में आप देख पा रहे हैं लस्सी बनाने वाली मशीन। और रेट सुन के आपको थोड़ा चंबा जरूर होगा, लेकिन इस रेट में बेचेंगे कैसे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने लेते हैं, जो कि अपने साथ हैं महिला किसान, जो कि अपने को बताएंगे कि लस्सी को किस रेट में आप अधिकतम रुपये में बेच सकते हो। नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम हरजीत कौर है, मेरा नाम फार्म का नाम हरजीत डेयरी फार्म है। अपने बात करें एक फार्मर की, दूध है वो 50-60 रुपए में नॉर्मल बिक जाता है, आपकी लस्सी का क्या रेट है? हमारी लस्सी का 50 रुपए का एक गिलास है, 200 ml होने, ठीक है तकरीबन। तो लीटर की तो काफी महंगी हो गई। लीटर की तो ला लो आप, हाँ जी 200-250 रुपए लीटर। और दूध आपका क्या रेट है? दूध अगर फैंट पर लेते हैं तो 8-9 फैंट तकरीबन होती है, 64-65 रुपए दूध पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें माल मटेरियल मिक्स करके थोड़ा कन्वर्जन करके उसको 150-200 रुपए लीटर तक बेच रहे हो। यही तो फार्मर को करना चाहिए। दूध पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, जैसे घास वगैरह डालना है, फीड वगैरह डालना है, पर हम पैदा तो कर देते हैं पर उसको सेल नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ आप हर किसान मेले में हमें मिल जाते हो, अपनी शॉप लगा रखी है जिसमें आप काफ़ी मटेरियल हैं वो सेल भी कर रहे हो, और भीड़ भी है वो अच्छी खासी आपके यहाँ रहती है, और सेल भी आपकी ठीक ठाक हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमारे घर के प्रोडक्ट खुद के तैयार किए हुए हैं, मेरा डेयरी फार्म है खुद का ही, मैं खुद ही तैयार करती हूँ प्रोडक्ट। जैसे कितने पशु हैं आपके डेयरी में? मेरे पास है 15-20 एनिमल, ठीक है। हाँ जी, जिनमें गाय है या भैंस है? गाय भी है, भैंस भी, दोनों ही, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हो आप? मेरे पास बर्फी, पेड़ा, मिल्क बादाम, लस्सी हो गई, पनीर हो गया, और जो भी दूध के प्रोडक्ट है मैं सभी तैयार करती हूँ। जैसे कि हम किसान महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं मेरे भाई या बहनें, हम दूध पैदा तो कर देते हैं पशुओं से, पर हमें सेल करने के लिए दिक्कत आती है। जैसे दूध वाले को डाल दिया जैसे, या फिर डेयरी में डाले, रेट का नहीं पता करना है क्या लगेगा क्या नहीं, है ना। जैसे जितने भी अपने खुद के प्रोडक्ट तैयार करके बेचेंगे उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। तो तैयार कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत जैसे अपने लाग पास है कोई कस्बा, कोई कुछ, कहीं भी कोई चाय वाला है या कोई वैसे डेयरियाँ वाले हैं, अपने प्रोडक्ट तैयार करके उनके पास आगे भेजो उनके पास, या फिर खुद ही मैदान में उतर जाओ, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आप मैदान में कब उतरे? मैं 2015 से। शुरुआत कौन से प्रोडक्ट से आपने की? मैंने फिलहाल मिल्किंग से ही की, मैंने एक गाय से शुरुआत की है अपनी, ठीक है, और आज परमात्मा की दया से मैं यहाँ तक। आपने शुरुआत में रुपये कितने लगाए, आज आप अब तक कितने रुपये लगा चुके और कितनी इनकम हो चुकी है, एक मोटा मोटी आइडिया? ये तो कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, वैसे मैंने एक गाय से शुरुआत करी जो मैंने 50,000 की ली। और अब आपके पास कुल गायों की या मशीनों की इत्यादि की जो संपत्ति अगर जोड़े तो कितने रुपये का आपने इन्वेस्ट कर चुके हो अपने बिजनेस में? कौन आई 60-70 लाख के करीब। मतलब ये इनकम यहीं से इंक्रीज हुई है, जाहिर सी बात है। हाँ जी, जितनी भी मेरे पास इनकम होती है मैं 90% उसको देती हूँ और 10% आप लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो ही बढ़ावा होगा, ठीक है। अगर हम वो बिजनेस का पैसा खुद ही कर खत्म कर लेंगे तो मुनाफा कहाँ से होगा? तो मार्केट से आपने रेट ज़्यादा रखा है, जाहिर सी बात है कि मार्केट से आपका रेट ज़्यादा है। हाँ जी, तो फिर सेलिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं नहीं आती नहीं, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट है, हर कोई यही चाहता है कि ओरिजिनल चीज़ मिले। यहाँ पे भी मैंने तकरीबन अभी ये शायद चौथा मेला है मेरा, जिस टाइम के मैंने सबसे फर्स्ट मेला मैंने कुरुक्षेत्र लगाया, करनाल करनाल में आपका चौथा मेला है। हाँ जी, अब तक आप कितने मेले कवर कर चुके हो? मैं 3 कर चुकी हूँ, सबसे पहले कुरुक्षेत्र, जगराओं DFA, लुधियाना था, ठीक है, ये चौथा मेला है, ये चौथा मेला। हाँ जी, तो मेले में लगभग कितने रुपए की सेल हो जाती है? ये तो आइडिया नहीं है, भीड़ पे डिपेंड करती है कि किसान मेले में कितने आते हैं। ये मेला तो मुझे लग रहा है इस बार हल्का रहेगा। नहीं ठीक है, चलो जैसा अपने लिए ठीक है, क्योंकि गर्मी के हिसाब से ही मौसम के हिसाब से चेंज होता रहा है, सर्दी में और प्रोडक्ट लगाएं, गर्मी में और प्रोडक्ट लगाएं, ठीक है। तो आपने इस मेले में जैसे ये स्टॉल लगाई हैं तो यहाँ कोई यूनिवर्सिटी द्वारा या सरकारी संस्थान द्वारा आपको स्टॉल में कोई छूट मिल दी जाती है, क्योंकि महिला किसान को कहीं ना कहीं प्रगतिशील करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो दी गई, ठीक है। क्योंकि वैसे भी उन्होंने जिन्होंने भी ये स्टॉलें बुक लगवाई हुई हैं NDRI वाले ने, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है भाई यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं पंखे वगैरह, लाइटें वगैरह,
24 घंटे हैं, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करा है भाई। ठीक है, तो कुछ महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि शुरुआत कैसे करें? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि खुद प्रोडक्ट तैयार करो और खुद सेल करो, जितने अंदर बढ़कर आएंगे उतने कमियों में चलते रहेंगे। आप देख ही सकें किसानों का हाल, हाड़ी हुआ हाड़ी मर्जी है, सोनी हुआ सोनी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि जो अगर जितने भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करेंगे उतने मुनाफे में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मशीन है ये मार्केट में ऐसी बनी बनाई कहीं मिलती है या आपने खुद ने ऐसी डिजाइन करवाई? नहीं, मिलती है। मिलती है, हाँ जी। क्योंकि अक्सर जो मशीन स्पेशल लस्सी के लिए ही बनी हुई है। इसको एक सेकंड चलाना, हाँ जी, ये अंदर घुमाएगी मतलब? हाँ जी हाँ जी, ये लस्सी बनाते रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हम इसमें दही डाल देते हैं, शक्कर डालते रहते हैं और जो भी और भी वो है तो इसमें डाल देते हैं, वो खुद पर खुद बन जाती है। इसका दही का आप डायरेक्ट बना रहे हो? हाँ जी हाँ जी। पानी मिक्स कर रहे हो उसमें? नहीं, प्योर दही है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो आपकी बर्फी रहने के क्या कुछ रेट है? ये बर्फी है घर की बनाई हुई ओरिजिनल, आप देख सकते हैं। ठीक है, 480 रुपए सेल है। इसमें क्या क्या मटेरियल डाला आपने? ये प्योर मावे की है। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसको चाहे 10-15 दिन बाहर फ्रीज के बिना भी रखो तो भी ये खराब नहीं होगा। मतलब यात्रा करे तो ट्रैवलिंग में साथ अपने इसको ले जा सकते हैं, ले जा सकते और एक अच्छा भोजन अपने रास्ते में ले सकते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर करके मंगा भी ले भी सकते हैं। जैसे मेरी कैंट शॉप है, कैंट तोपखाना हरजी डेयरी फार्म के नाम से ही, ये मेरा एड्रेस है वहाँ का, और एक अम्बाले में है गैलेक्सी मॉल के बैक साइड। ठीक है, शाम को 6 से 10 बजे तक। ठीक है, हम वहाँ पे रहते हैं, कोई मर्जी कहीं से भी मंगवा सकता है। हम अपना नंबर दे देंगे उसको, नंबर 9728042604। ठीक है, थैंक यू। और अपना मेरा पेज है, जो भी मैं प्रोडक्ट तैयार करती हूँ मैं अपने पेज पे जरूर डालती हूँ, जो जिसकी भी हो वीडियो है अपलोड करती हूँ तो मैं पेज पे जरूर डाल दे सकती हूँ, डालती हूँ। यूट्यूब पे चैनल भी है मेरा, वहाँ पे डालती हूँ। ठीक, थैंक यू।